हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो वैसे तो गाइस अभी जस्ट स्कूल से आ रहा हूँ, सो अभी तो मुझे काफ़ी तेज़ भूख भी लगा है और ब्लॉग तो सुबह में टाइम ही नहीं मिलता है गाइस स्टार्ट करने का, इसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो पाता है ना ठीक से ब्लॉग बन पाता है, और इधर एग्ज़ाम है तो और हमें पढ़ना होगा। ये रहा मेरा बैग, और भैया तो गाइस हमेशा लेट करके ही आते हैं, वो तो गाइस उधर से ही अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। उनका भी अजीब है, उनका टेंथ है, थोड़ा फ्रीली माइंडेड है वो। सो गाइस मम्मी जी तो इधर हमारे लिए खाना निकाल रही हैं। भैया का तो गाइस अभी तक कुछ आता पता है नहीं, लगभग 15 मिनट हो चुके हैं पर वो अभी तक नहीं आए। सो गाइस भैया तो यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं और मम्मी और पापा तो अभी मार्केट में गए हुए हैं बाहर किसी काम से, और अभी शाम तो हो नहीं चुका है और अभी मैं जस्ट पूजा कर कर ही आ रहा हूँ। सो ऊपर में तो छत पे काफ़ी सारे कपड़े हैं, सो उन्हें जल कर ले आ देता हूँ। ऐसे भी ठंड का मौसम है, शीत के कारण सारा भीग जाता है, लगभग देख रहे होगा इस सारा छत तो भरा ही पड़ा है कपड़ा से। ये देखो हमारे कपड़े हैं यहाँ पर, सो नीचे ले चलता हूँ और इधर भी देख लेता हूँ कुछ है तो नहीं। ये तो हमारे नहीं है गाइस, और ये भी हमारे नहीं है। तो कपड़े तो मैंने ले लिए हैं और हवा भी नहीं चल रहा है, नॉर्मल सा है। चलता हूँ नीचे, वैसे भी छत पे तो लाइट है नहीं, पूरा अंधेरा अंधेरा आ रहा होगा। चलते हैं गाइस अब नीचे बैठकर पढ़ाई करता हूँ। गाइस मेरे हाथ से कपड़े ही गिर गए सारे, इस पे रख देता हूँ, मम्मी जी आएंगी तब उसे ठीक कर लेंगे। गाइस अभी तो मैं यहाँ पर बैठ कर अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में पढ़ रहा हूँ। आप सब लोग तो जानते ही होंगे, उन्हें फर्स्ट एम्प्योटी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 8849 किलोमीटर टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे वो गई थी, वो भी प्रोस्थेटिक लेग से। सोचो कितना मोटिवेशनल स्टोरी है। सो मैं तो वही अभी बैठ कर पढ़ रहा हूँ। देख रहा हूँ मेरा तो बुक प्रिंटेड है लेकिन इसी से पढ़ाई चल रही है मेरी। एंड इस स्टोरी का पढ़ने का ये भी मतलब होता है मेरा कि मोटिवेट हो रहा हूँ मैं इससे। वो जब ऐसी हालात में थी तब भी उन्होंने ऐसा काम किया, सो सी वॉज रियली अप्रिसिएटिंग। सो वैसे तो मेरा पढ़ाई चलता ही रहे और मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आप लोग सुन ही रहे होंगे। जैसे मम्मी जी तो खाना बना रही है। सो चुके हैं और मैं तो यहाँ पर बैठ कर अभी पढ़ रहा हूँ। तो ठीक है, हम भी बर्तन बर्तन धो कर आ गए, अब जा रहे हैं आराम करने। अभी तो मैं आजकल डेली थोड़ा लेट तक पढ़ाई करता हूँ और मम्मी जी भी मेरा सपोर्टिव पर मतलब सपोर्टर बन के बैठी है कि मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं। सो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, तब तक के लिए बाय।